मॉर्निंग सर। हेलो, जी सर। आवाज आ रही है? यस सर। चलिए, क्वेश्चन है एक। फॉर द लॉजिक सर्किट शोन इन फिगर, द आउटपुट इज। फॉर द लॉजिक सर्किट शोन इन फिगर द आउटपुट इज। क्वेश्चन दिख रहा है? ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें हमको आउटपुट निकालना है। लॉजिक गेट हमको बना के दिया। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपको कोई भी लॉजिक गेट इस तरह से बना के दे दे और आपसे पूछे कि उसका आउटपुट क्या होगा। तो सिंपली जो आपके जो बेसिक गेट्स हैं, तीन बेसिक गेट्स हैं, एंड गेट, और गेट और नॉट गेट, ऑलरेडी हम लोग उसको डिस्कस किए हैं कि एंड गेट क्या है, और गेट क्या है और नॉट गेट क्या है। इन सब का आपको ट्रुथ टेबल मालूम होना चाहिए, इसका आपको बुलियन एक्सप्रेशन मालूम होना चाहिए। ठीक है, ट्रुथ टेबल हो गया और उसका बुलियन एक्सप्रेशन क्या हो गया और उसका सिंबल क्या है, सिंबल क्या है इस गेट का आपको मालूम होना चाहिए। तो तीन तो हमारे बेसिक गेट हो गए, दो यूनिवर्सल गेट हो गए, नैंड गेट और नॉर गेट। ठीक है, उसका इसका भी आपको ट्रुथ टेबल मालूम होना चाहिए और उसका लॉजिकल एक्सप्रेशन मालूम होना चाहिए और उसका सिंबल क्या है ये मालूम होना चाहिए। और दो स्पेशल है, एक्सऑर और एक्सनॉर, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट गेट है। अक्सर इस पे क्वेश्चन आता है एक्सऑर गेट पर, एक्सनॉर गेट पर। इसका भी आपको ट्रुथ टेबल और लॉजिकल एक्सप्रेशन और उसका सिंबल क्या है आपको मालूम होना चाहिए। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन है, आपको लॉजिक सर्किट दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है इसका आउटपुट क्या होगा। तो उसके लिए बेसिक्स जो आपको मालूम होना चाहिए, जिससे बेसिक्स ये है कि अगर हम इसको अगर मिटा दें, ऑप्शंस को अगर हम मिटाते हैं, अगर यहाँ पर डिस्कस करते हैं, तो आप देखिए सिंपल जो हमारे तीन बेसिक गेट हैं हमारे, देखिए ये एंड गेट है, ये हमारा एंड गेट है, ये हमारा और गेट है, ये हमारा नॉट गेट है। इस तरह से तीन, ये तीनों हमारे बेसिक गेट है। एंड गेट है, इसमें दो इनपुट हो सकता है, इसमें भी दो इनपुट, इसमें एक इनपुट होगा और एक आउटपुट होगा। मतलब आउटपुट तो सब में एक ही होंगे, कोई भी गेट होगा उसमें आउटपुट हमारा एक ही होगा, इनपुट आपका दो या दो से अधिक, लेकिन हमारा जो इन्वर्टर है उसमें एक ही इनपुट होता है। ठीक है, और इन और सब गेटों में इनपुट दो भी हो सकता है, दो से ज्यादा भी हो सकता है। तो ये हमारे सिंबल हो गए, जैसे हमारा एंड गेट हो गया, और गेट हो गया, और ये हमारा नॉट गेट हो गया। एंड गेट, और गेट और नॉट गेट।
मान लीजिए इनपुट अगर यहाँ पे ए और बी है तो यहाँ जो आउटपुट होगा वाई, तो वाई बराबर होगा ए बी, इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन होगा। ये आपको मालूम होगा, ये और गेट है और इसमें इनपुट अगर ए और बी है तो यहाँ पर जो आउटपुट होगा वो होगा ए प्लस बी, जो हमारा आउटपुट होगा प्लस बी, और यहाँ पर अगर इनपुट अगर ए है तो यहाँ पर जो आउटपुट होगा वाई बराबर, ये हमारा ए बार होगा। ये सिंपल हमारे बेसिक गेट्स हैं। सिंपल हम लोग बेसिक गेट की बात करें तो एंड गेट, और गेट, और ये हमारा नॉट गेट हो गया। तो सिंपल हो गया, ये हमारा लॉजिकल एक्सप्रेशन हो गया। और इसी में अगर ये केस बना दे, अगर इन दोनों इनपुट को शॉर्ट कर दे, दोनों इनपुट को शॉर्ट कर दिया जाए अगर, और मान लेते हैं कि एक ही इनपुट है ए, तो आउटपुट क्या होगा इसका? कॉन्सेप्ट आपका वही होगा, अगर दोनों इनपुट को अगर शॉर्ट कर दिया जाए, ठीक है, और दोनों इनपुट को शॉर्ट कर दिया जाए तो यहाँ पर भी आपका ए होगा, मान लेते हैं यहाँ पर भी ए होगा, अगर अलग अलग करते तो यहाँ पर भी ए, क्योंकि यही ए यहाँ गया है और यही ए यहाँ गया है, तो कॉन्सेप्ट आपका होगा ए इंटू बी होता है इनपुट, क्योंकि दोनों इनपुट ए है तो ए इंटू ए हो जाएगा। और डिमॉर्गन्स थ्योरम, डिमॉर्गन्स कह रहे हैं आइडम्पोटेंट लॉ से आपका होगा ए इंटू ए बराबर ए, ए इंटू ए बराबर आपका होगा ए। सिमिलरली अगर इन दोनों को भी शॉर्ट कर दिया जाए, दोनों को शॉर्ट करके अगर हम एक इनपुट दे दें तो यहाँ पर भी बी की जगह हमारा ए हो जाएगा। अब वाई बराबर आएगा हमारा ए प्लस ए, और ए प्लस ए होता है हमारा ए, ए प्लस ए बुलियन लॉ। सर अब ऐड कर लीजिए, ऐड कर लीजिए, ठीक है। तो अब देखिए हमारा हो जाएगा ए प्लस ए, और नेक्स्ट हमारा इसमें तो एक ही इनपुट है तो वाई बराबर होगा ए बार। दूसरा चीज इसी में अगर ये कर दिया जाए, एक दो गेट हमारे पास और है, नैंड गेट और नॉर। तो नैंड में कुछ नहीं है, नैंड गेट जो हमारा होगा, नैंड गेट वो एंड गेट और प्लस नॉट गेट, और नॉर गेट अगर है हमारा नॉर गेट तो और गेट और प्लस नॉट गेट का कॉम्बिनेशन होगा। तो सिंपल जो नैंड गेट हमारा बनेगा, ये हमारा देखिए एंड गेट हो गया, नैंड बनाना तो एंड, और उसके बाद यहाँ पर एक नॉट लगा दीजिए, बबल लगा दीजिए, तो हमारा ए हो गया, ए बी हो गया, तो आउटपुट जो हमारा होगा वो ए इंटू बी का बार होगा। सिमिलरली अगर हमारा नॉर गेट बनाना है, नॉर गेट तो और गेट पहले बनाइए, तो पहले हमने और गेट बनाया, अब नॉट गेट लगा दीजिए यहीं पे, ये हमारा हो गया नॉर गेट। यहाँ पर आउटपुट जो होगा ए और बी अगर इनपुट है तो वाई बराबर हमारा ए प्लस बी का बार हो जाएगा। और इसी में इस केस अगर ये, अगर दोनों इनपुट यहाँ पर शॉर्ट कर दिया जाए, दोनों को शॉर्ट कर दिया जाए, और यहाँ से इनपुट अगर दिया जाए ए, तो आउटपुट क्या होगा? तो अब ए इंटू बी का बार था, तो अब ए इंटू ए का बार होगा, सिंपली हो जाएगा ए बार। सिमिलरली अगर यहाँ पर भी शॉर्ट कर दिया जाए दोनों इनपुट को, शॉर्ट करके अगर हम एक इनपुट दें, आउटपुट यहाँ होगा ए प्लस ए, दैट इज ए का बार। यानी इस तरह से देखा जाए तो ये दोनों इन्वर्टर की तरह काम कर रहे हैं। नैंड गेट, अगर नैंड गेट को दोनों इनपुट को शॉर्ट कर देते हैं, या नॉर गेट अगर है दोनों इनपुट को शॉर्ट कर देते हैं, तो वो एज ए इन्वर्टर काम करता है। इन्वर्टर में भी यही होता है, अगर इनपुट ए है तो आउटपुट हमको मिलेगा ए बार, इस तरह से हमारा होता है। तो वही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर चलना है। तो इसके लिए थोड़ा बहुत आपको लॉ मालूम होना चाहिए, और कोई भी आपको लॉजिक गेट अगर दे तो आपको बस लॉ मालूम होना चाहिए। लॉ कई बार मैंने बताया है, ठीक है। तो अब आइए उसी में, अब यहाँ पर हमको आउटपुट वाई निकालना है, तो आपको दिख ही रहा है ये कौन सा गेट है, 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 ये सारे गेट आपको मालूम ही है। तो सिंपल देखिए, यहाँ से हमने दिया है ए, ये हमारा ए है, यहाँ से हमारा ए गया है यहाँ पे, तो ये वही आपका है नैंड गेट है यहाँ पर। अगर आप यहाँ इनपुट ए देंगे तो आउटपुट क्या मिलेगा आपको, बोलिए? सिंपल आप बोलिए ए बार, ए बार, सिंपल आप बोलिए ए बार, ठीक है, क्योंकि ये इन्वर्टर की तरह काम करता है। अगर नैंड गेट है, भी जस्ट बताया मैंने कि अगर नैंड गेट है दोनों इनपुट को अगर शॉर्ट कर दिए हैं, तो वॉट एवर द इनपुट, जो भी इनपुट आप यहाँ देंगे उसका कॉम्प्लीमेंट कर देगा। सिमिलरली आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आपका इनपुट क्या है, ए है, और यहाँ पर इनपुट क्या है आपका, बी है, ए बी बार, तो यहाँ पर देगा आपको ए बी बार। यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा, बीसी बार आएगा। ए कहाँ पे है, इसका जो आपका होगा ये बी है ना,
ये बी जाएगा या सी जाएगा? सेकेंड वाले। हाँ तो बी सी बार आएगा, और इसका क्या आएगा? सी बार, सी बार आएगा। और यहाँ पर जो आउटपुट आएगा वो आएगा ए बी बार और प्लस बी सी बार, बी सी बार, क्योंकि ये सिंपल और गेट है। और गेट क्या करता है? दोनों इनपुट को जोड़ देता है। अगर और गेट है ये अगर हमारा और गेट है तो सिंपली जो है दोनों इनपुट को ये जोड़ देगा, और दोनों इनपुट हमारा एक है ए बी बार और दूसरा है बी सी बार, तो ए बी बार प्लस बी सी बार। और सिंपल अब ये फिर हमारा और गेट है तो फाइनल जो हमारा आउटपुट आएगा वाई बराबर, ये तीनों इनपुट को जोड़ देगा। तीन इनपुट है इसमें, तो एक हो, एक हमारा क्या है ए बार, दूसरा हमारा है ए बी बार प्लस बी सी बार, और तीसरा हमारा है इनपुट सी बार। तो वाई बराबर जो हमारा होगा, देखिए ए बार, और यहाँ पर एक हमारा है डिमॉर्गन थ्योरम, उसको भी देख लेते हैं। डिमॉर्गन थ्योरम क्या है? ब्रेक द बार चेंज द, डिमॉर्गन थ्योरम हमारा है अगर ए बी का बार है, इसको लिखते हैं ए बार प्लस बी बार, और अगर ए प्लस बी का बार है ए बार डॉट बी बार, ए बार डॉट बी बार। ये दो रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट है डिमॉर्गन थ्योरम, ये होता है हमारा। तो वही चीज यहाँ पर है, ए बार तो है प्लस, अब यहाँ ए बी बार है तो लिख सकते हैं ए बार प्लस बी बार, यहाँ बी सी का बार है तो यहाँ लिख सकते हैं बी बार प्लस सी बार और प्लस सी बार, और फिर वाई बराबर फाइनल जो हमारा वाई बराबर क्या आएगा? अब ए बार प्लस ए बार दो बार है, बी बार प्लस बी बार भी दो बार है, और सी बार प्लस सी बार भी दो बार है। इसको हम बस एक ही बार लिखेंगे, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। तो फाइनल हमारा आउटपुट होगा वो होगा ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। तुमको लगता है समझ में आ गया होगा, मिटा रहे हैं इसको। यस सर।
बताएगा इस चारों में से इसका कौन सा आंसर होगा। सर्किट हमको दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुलियन एक्सप्रेशन करेक्टली रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन पी क्यू आर एंड एम वन। तीन इनपुट हमारे हैं पी क्यू आर, वी हैव थ्री इनपुट पी क्यू आर, और आउटपुट हमारा एक ही होता है एम वन, वो एम वन है। तो इसमें कौन सा रिलेशन सही है, इसमें विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुलियन एक्सप्रेशन करेक्टली रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन पी क्यू आर एंड एम वन। वी हैव फोर डिफरेंट आंसर। पहला एम वन बराबर है क्या पी आर क्यू एक्सोर आर होगा, या पी एंड क्यू एक्सोर आर होगा, या पी नॉर क्यू एक्सोर आर होगा, या पी एक्सोर क्यू एक्सोर आर होगा। इसके लिए सबसे पहले आपको थोड़ा सा एक्सोर गेट के बारे में बता दूं। एक्सोर गेट और दो और उसी का कॉम्प्लीमेंट है हमारा एक्सनॉर गेट, दो स्पेशल गेट है। अभी हम लोगों ने पांच गेट देखा ही, तो एक्सोर गेट जो हमारा होता है वो कुछ इस तरह से होता है। ऑप्शन हम मिटाते हैं, ऑप्शन मिटा दे रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन आप लोग नोट कर लीजिए, ऑप्शन नोट कर लिए हैं। ऑप्शन की बात करें अगर ऑप्शन ये एक्सोर गेट, तो एक्सोर गेट का देखिए जो हमारा सिंबल है वो कुछ इस तरह से है। ये हमारा एक्सोर गेट है, ये इनपुट है ए बी, ये हमारा आउटपुट हो गया वाई, और वाई बराबर जो हमारा होता है ए एक्सोर बी, ये इसका एक्सप्रेशन है, दिस इज ए बुलियन एक्सप्रेशन, ये सिंबल हो गया एक्सोर गेट का, ठीक है। ये हमारा एक्सोर गेट का सिंबल हो गया और ये उसका बुलियन एक्सप्रेशन हो गया, और y बराबर हम लिख सकते हैं ए बी डैश और प्लस ए डैश बी, ए बी डैश प्लस ए डैश बी होता है अगर दो इनपुट हैं तो। और दूसरा हमारा एक्सनॉर गेट होता है इस तरह से, बस यहीं पे बबल लगा देंगे, ये a हो गया, ये b हो गया, ये हमारा हो गया y। तो y इज इक्वल टू जो हमारा होगा एक्स नॉर बी का, ये हमारा इसका बुलियन एक्सप्रेशन है, ठीक है। और यहाँ पर जो y बराबर होगा वो हमारा होगा ए बी और प्लस ए डैश बी डैश, ये नोट कर लें आप लोग एक्सोर गेट वाला। और इसको जरा इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करें, दो मिनट का समय हम दे रहे हैं, इसी प्रॉपर्टी पे आप कर सकते हैं। अगर आपको एक्सोर गेट का ट्रूथ टेबल बुलियन एक्सप्रेशन मालूम है और एक्सनॉर का मालूम है तो आप कर सकते हैं, इसको सॉल्व करें। हेलो जी सर,
क्या आया आंसर? सर लास्ट वाला थोड़ा मैच किया है सर, थोड़ा थोड़ा देखते हैं, थोड़ा थोड़ा है, पूरा पूरा है। तो देखिए सर, हमको अमाउंट की वैल्यू निकालना है, तो अभी कुछ करना नहीं है, हम यहाँ से स्टार्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे, देखते हैं अमाउंट क्या आता है। तो यहाँ पर क्या आएगा आउटपुट, एनी वन यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा सर? PQ बार। वेरी गुड, वेरी गुड, PQ बार, वेरी गुड, PQ बार आएगा। क्यों? क्योंकि सिंपल ये NAND गेट है। यस सर। यस ये NAND गेट है, एंड गेट है, और आउटपुट में बबल लगा है, यानी NAND गेट। NAND गेट क्या होता है? एंड एंड प्लस नॉट। NAND गेट क्या होता है? एंड गेट और आगे लग जाएगा एक नॉट, NAND गेट। दो इनपुट दिया है PQ, तो मल्टीप्लाई करेगा, ये नहीं होता तो केवल मल्टीप्लाई होता PQ, लेकिन ये है तीसरी बार लग गया। यस सर। और यहाँ क्या आएगा? P plus Q, वेरी गुड। ये हमारा और गेट है, सिंपल ऐड कर देगा, ठीक है। ये तो sir. ये तो हमारा R है, तो R ही रहेगा, ठीक है, सिंपल दिया है R। अच्छा, यहाँ मान लेते हैं जेड है, तो जेड की वैल्यू क्या आएगी? सर PQ बार into P plus P plus Q। जेड की वैल्यू जो आएगी, वेरी गुड, PQ बार और प्लस प्लस नहीं है, P plus Q इनटू होगा ना? यस सर, इनटू। हाँ, PQ बार और इनटू PQ बार इनटू P plus Q, क्योंकि हमारा एंड गेट है, तो सिंपल जो Z की वैल्यू आएगी दोनों को मल्टीप्लाई कर देगा, PQ बार इनटू P plus Q, ठीक है। तो यहीं पर यहाँ पर सॉल्व करते हैं अगर। यस सर, यहाँ पर अगर हम लोग सॉल्व करें इसको, जेड बराबर जो हमारा आएगा, पी क्यू बार है, इसको लिख सकते हैं पी बार प्लस क्यू बार, पी बार प्लस क्यू बार, यस सर, और इनटू पी प्लस क्यू, इनटू पी प्लस क्यू, इनटू पी प्लस क्यू, क्यू, तो जेड बराबर हमारा आएगा, मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा पी बार इनटू पी, और प्लस क्यू बार इनटू पी, और प्लस पी बार इनटू क्यू, और प्लस क्यू इनटू क्यू बार, मल्टीप्लाई करेंगे तो यही होगा। यस सर। और पी इनटू पी बार कितना होगा? जीरो। जेड बराबर पी क्यू बार और प्लस पी बार क्यू, या जेड इज इक्वल टू लिख सकते हैं पी एक्सोर क्यू, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, बोलिए। यस सर, मैंने बताया ना ए एक्सोर बी क्या होता है, ए एक्सोर बी अगर है आपका, अगर आपका ए एक्सोर बी, अगर आपको ए एक्सोर बी, ए एक्सोर बी जो आपका होता है ए बी डैश और प्लस ए डैश बी, ए एक्सोर बी याद कर लीजिए, ए एक्सोर बी ए बी डैश प्लस ए डैश बी, और ए एक्सोर बी क्या होता है? ए बी और प्लस ए डैश ए बी प्लस ए डैश बी डैश, ये दो चीज रट लीजिए एकदम, तो वही चीज है, P XOR Q लिख सकते हैं, अगर PQ dash plus P dash Q, P XOR Q, यानी यहाँ पर जो Z हमारा आएगा वो आएगा P XOR Q। तो अब बताइए फाइनल M1 बराबर हम नहीं लिख सकते हैं क्या? P XOR Q XOR R, ये लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। यस सर, नहीं समझ में आया? आ गया सर। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन अगर आपके पास हैं तो आप पूछ सकते हैं, लॉजिक गेट पे जितने भी क्वेश्चन हैं आपको आना चाहिए, इस पे अच्छे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। सर नया यूनिट कब शुरू होगा सर? अभी एग्जाम का डेट आ गया क्या सर? अब क्लियर नहीं हो रहा, एग्जाम होगा या नहीं होगा सर, कुछ क्या बताया जाए? पढ़ते रहो, एक नया यूनिट 3-4 दिन में खत्म हो जाएगा सर, तो एग्जाम नहीं होगा अब, पता नहीं, दो एक हफ्ते में मालूम चल जाएगा। फाइनल ईयर वालों का तो, फाइनल ईयर वालों का तो होगा, वो भी ऑनलाइन होगा, सुनने में ऐसा आ रहा है कि फाइनल ईयर वालों का होगा, वो भी ऑनलाइन होगा, घर से देंगे। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर का भी फैसला नहीं होना, एक हफ्ते में फैसला हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर जानते हो, तो वैसे ही सारे विश्वविद्यालय ने प्रमोट कर दिए हैं, क्यों? अभी तो यही सुनने में आ रहा है कि फाइनल ईयर वालों का एग्जाम होगा,
बाकी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर प्रमोट हो जाएंगे। तो अभी क्या है क्या नहीं है, लेकिन जो बेसिक जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसको आप बस जानिए, बाकी होगा। एक यूनिट है ऑपरेशनल एम्पलीफायर, खत्म हो जाएगा, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगना है। मेनली जो क्वेश्चन आते हैं कम्पटिशन के वो इसी से आते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1217 8 में है, इज इक्वल टू 1217 16 में 028F 16 में 2297 16 में D 0B17 16 में सॉल्व करिए इसको, कौन सा आंसर होगा इसका। आयुष अटेंडेंस भेज देना आज वाला, दो क्लास रहेगा उसके बाद 2:40 पे है। ठीक है सर। तो मैंने देखिए आपको बताया था स्टूडेंट्स, जो हमारा ये ऑक्टल नंबर सिस्टम है, ऑक्टल को कैसे कन्वर्ट करते हैं, ऑक्टल नंबर सिस्टम है इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे हम लोग हेक्साडेसिमल में। तो मैंने सिंपल आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि ऑक्टल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं और बाइनरी को ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। कोई भी देखिए, अगर ऑक्टल में कोई भी नंबर दिया हो, ऑक्टल में, ऑक्टल का मतलब हो गया जिसका बेस हो 8, जैसे कि मान लो कोई है नंबर 5, 6, 7, 2, 5, ये मान लो ऑक्टल में है और कहे इसको बाइनरी में कन्वर्ट करिए, तो कैसे करेंगे। सर तीन तीन का पेयर बनाएंगे सर, बस हाँ एकदम इसको रटे रहिए सर, ये सारे क्वेश्चंस हैं, तीन तीन का पेयर बनाएंगे। सबसे आसान है ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करना या बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करना। अगर ऑक्टल में है तो ये सबको तीन तीन के पेयर में कन्वर्ट कर लेंगे। तीन तीन का पेयर का मतलब ऊपर लिख लीजिएगा इस तरह से 1, 2, 4, और तीन तीन के पेयर में बदलना मतलब इसको तीन तीन बिट में लिखना है। एक तरह से देखा जाए तो ये सब, ये सारे नंबर्स जो है डेसिमल में है बाइनरी में कन्वर्ट कर दीजिए। तो 5 का क्या होगा, 5 कैसे आएगा, 4 और 1 5 होता है, यानी 101 होगा कि नहीं होगा। यस सर। 6 कैसे होगा, 4 और 2 6, यानी 110। 7 कैसे होगा, जब हर जगह 111 होगा। 2 कैसे होगा, जब 010 होगा। 5 फिर कैसे आएगा, 101 हो गया। बोलिए, हमने ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया, कर लेंगे, सिंपल है, तीन तीन बिट में कन्वर्ट कर। और इसी तरह से मान लीजिए बाइनरी में दिया है, ये बाइनरी में दिया है और कहे इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करिए, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे सर। तीन तीन का पेयर बना लेंगे ना सर, तीन तीन पेयर बनाएंगे, यहां से बनाएंगे ये तीन, ये तीन और ये तीन, और इधर मान लीजिए एक, मान लीजिए एक वन और होता, यहाँ हम आगे 2 0 लगा लेते हैं, ये भी एक पेयर बन जाता। इधर आप कितना भी 0 लगाइए फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मान लीजिए 92.5 है और इसके आगे हम 10 0 लगा लें और इधर भी 10 0 लगा लें, तो ये कितना रहेगा, तब भी ये 92.5 ही रहेगा। तो वही चीज है, इसके इधर आप कितना भी 0 लगा लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब इधर आइए, इधर आपका 3 ये हो गया और इधर 1 0 आप और लगा सकते हैं, जितना चाहिए इधर 0 लगा लीजिए, पॉइंट के इधर 1 0 और लगा के 3 बिट में बना लिया। अब बताइए इस 001 को क्या लिख सकते हैं डेसिमल में, 110 को 6 6, 110 फिर है 6, फिर 110 है तो 6 पॉइंट, फिर 110 है तो फिर 6 और 010 मतलब 2 2, तो ये हाँ, तो ये बाइनरी को ऑक्टल में हमारा ये आंसर होगा। सिमिलरली स्टूडेंट, बाइनरी को हेक्साडेसिमल 2 को 16 में कैसे बदलेंगे या 16 को 2 में कैसे बदलेंगे,
मान लीजिए आपका माइंड्री में नंबर है 110001101.11001, ये मान लीजिए आपका माइंड्री में है और इसको आपको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल 16 में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे सर? चार चार का पेयर बनाएंगे। चार, इसमें चार चार का पेयर बनाते हैं, ठीक है, ये सब आप लोगों को मालूम ही है, तो इस तरह से बना लीजिएगा। यहाँ दो जीरो आप लगा लीजिएगा, सिमिलरली इधर यहाँ पर भी आपका ए हो गया और इधर भी आप तीन जीरो लगा के बना सकते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं 0011 को? तीन, तीन, फिर 0011 तीन, फिर 0110 को 6 पॉइंट, इसको 12, 12 का मतलब ये 12 होगा ना, 12 का मतलब सी, ये हो जाएगा 8, यही होगा इसका 16। बोलिए इसका 16 ही तो होगा। तो मेनली जो आपको इसको कन्वर्ट करना है, इसका बताइए क्या आंसर है? इसका आंसर बताए नहीं आप लोग? सर ऑप्शन बी, ऑप्शन बी जी सर, बी बी बी, हाँ सही बी होगा। हेलो सर। यस सर, ये स्क्रीन दिख रहा है? यस सर दिखा सर। यस सर, चलिए अगर स्क्रीन दिख रहा है तो ठीक है। इसका आंसर बताएगा कोई क्या होगा? एफ बराबर क्या होगा? हेलो, यस सर हो रहा, सर हो रहा, यस सर, हाँ सॉल्व करिए। देखिए ये कौन सा गेट है? XOR गेट। XOR गेट में
एक्सओआर गेट की ट्रुथ टेबल मालूम है किसी को? ट्रुथ टेबल एक्सओआर गेट का ट्रुथ टेबल? यस सर। जब दोनों डिफरेंट नहीं नहीं ट्रुथ टेबल जो जो दोनों सेम रहेगा तो जीरो होगा और दोनों डिफरेंट रहेगा तो वन होगा। ठीक है, तो ये मान लीजिए इनपुट एक्स है, दोनों इनपुट इसमें एक्स है ना, इसमें दोनों इनपुट एक्स है ना, हां तो यहां आउटपुट क्या, यहां यहां पर आउटपुट क्या आएगा? जीरो होगा। जीरो आएगा, वेरी गुड, यहां जीरो आएगा। अब देखिए ये जीरो है और ये वाला इनपुट क्या है? ये वाला एक्स है, दूसरा इनपुट एक्स है, क्योंकि देखिए यही एक्स यहां पर क्या है? तो अच्छा बताइए, ये जीरो है और ये एक्स है, तो आउटपुट क्या होगा? वन होगा। कैसे सर? दोनों डिफरेंट सर, दोनों डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? ये जीरो है और एक्स है, तो एक्स तो कुछ भी हो सकता है ना, एक्स जीरो भी हो सकता है, एक्स वन भी हो सकता है, तो कैसे आप कह सकते हैं एक्स की वैल्यू डिपेंड थोड़े, एक्स एक्स पता नहीं एक्स क्या है। अच्छा सर, ये जीरो है और ये एक्स है, तो यहाँ पर आप फार्मूला लगाइए ना, जीरो एक्सओआर एक्स, जीरो एक्सओआर एक्स करो ना, जीरो एक्सओआर एक्स क्या होगा? जीरो इंटू एक्स बार, फार्मूला होता है ना, ए एक्सओआर बी क्या होता है? ए इंटू बी बार प्लस ए बार इंटू बी, वैसे करो जीरो एक्सओआर एक्स करो, देखो यहाँ क्या आ रहा है, ये समझ रहे हो ना, ये तो जीरो हो गया, क्लियर है, क्योंकि दोनों एक्स एक्स है तो ये जीरो है। ठीक, दूसरा इसमें जीरो ही है, तो जीरो एक्सओआर एक्स क्या आ रहा है? जीरो एक्सओआर एक्स का मतलब हो गया, एक बार करो जीरो इंटू एक्स बार और दूसरे बार करो वन इंटू एक्स, जीरो होगा, जीरो एक्सओआर एक्स तो होगा जीरो इंटू एक्स बार, एक बार होगा और प्लस जीरो बार इंटू एक्स, जीरो होगा, कैसे जीरो होगा? फिर एक्स पे डिपेंड कर रहा है सर, एक्स आएगा, एक्स ये एक्स आएगा, एक्स आएगा, एक्स जीरो एक्स और जीरो एक्स और एक्स क्या आएगा? जीरो एक्स, अरे यार जीरो एक्स और एक्स का मतलब जीरो इंटू एक्स बार करो प्लस जीरो बार इंटू एक्स करो, तो क्या आएगा? ये जीरो इंटू एक्स बार, तो जीरो ही हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्लस